सीधा लिए चलते हैं आपको प्रयागराज, जहां पर इस समय सीएम योगी जनता को संबोधित कर रहे हैं। अभिनंदन करता हूं मंच पर उपस्थित प्रदेश के हमारे महामहिम राज्यपाल श्रीमती आनंदीबेन पटेल जी, उत्तर प्रदेश सरकार में मेरे वरिष्ठ सहयोगी उप मुख्यमंत्री श्री केशव प्रसाद मौर्य जी, भारत सरकार के सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री माननीय श्री थावरचंद गहलोत जी, भारत सरकार के ही सभी माननीय मंत्रीगण श्री कृष्णपाल जी, श्री रामदास अठावले जी, श्री रतनलाल कटारिया जी, उत्तर प्रदेश सरकार में मेरे मंत्रिमंडल के सभी सहयोगीगण श्री सिद्धार्थनाथ सिंह जी, डॉक्टर महेंद्र सिंह जी, माननीय सांसद डॉक्टर रीता बहुगुणा जोशी जी, श्रीमती पटेल जी और आज के इस कार्यक्रम में उपस्थित सभी मान्य जनप्रतिनिधिगण, उपस्थित भाइयों बहनों, मैं संगम नगरी में आदरणीय प्रधानमंत्री जी का आप सबकी ओर से हृदय से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। हम सब जानते हैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में विगत वर्ष इसी समय प्रयागराज कुंभ ने अपनी भव्यता और दिव्यता का एक नया परचम दुनिया के सामने लहराया था। कुंभ का शुभारंभ और कुंभ के समारोप के अवसर पर आदरणीय प्रधानमंत्री जी का मार्गदर्शन प्रयागराज वासियों को और सभी श्रद्धालुओं को प्राप्त हुआ था और उन्हीं के मार्गदर्शन का परिणाम था कि भव्य और दिव्य कुंभ का आयोजन प्रयागराज की धरती में करने पर हमें सफलता प्राप्त हुई थी। सैकड़ों वर्षों के बाद अक्षयवट जो प्रयागराज की पहचान थी वो अक्षयवट श्रद्धालुओं के दर्शन के लिए खुल पाया और यही नहीं सरस्वती कूप तक भी जाने के लिए सभी श्रद्धालु जनों को एक मार्ग मिल पाया। गंगा की निर्मलता वास्तव में हरेक श्रद्धालु के मन को दशकों के बाद उन्हें अवसर प्राप्त हुआ कि उन्हें मां गंगा की निर्मल धारा को देखने का अवसर प्राप्त हो जाए, या दुर्लभ संजोग अगर हमें प्राप्त हो पाया है देश के सस्सी नेतृत्व के रूप में आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में ही प्राप्त हो पाया। और आज आदरणीय प्रधानमंत्री जी दिव्यांग जनों के इस महाकुंभ में अपना मार्गदर्शन देने के लिए यहां पर उपस्थित हुए हैं। हम सब जानते हैं कि दिव्यांग जनों के प्रति एक सम्मान का भाव पैदा करने के लिए आदरणीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में उन्होंने विकलांग शब्द को दिव्यांग कहकर के उन्हें सम्मान देने के साथ साथ शासन में उनकी भागीदारी हो सके और शासन की योजनाओं का लाभ उन्हें प्राप्त हो सके, मोटराइज्ड ट्राइसाइकिल की व्यवस्था जो आज यहां पे लगभग 900 दिव्यांग जनों को एक साथ प्राप्त हो रही है इससे पहले दुर्लभ था। एक साथ इतने हजार लोगों को यह अवसर एक साथ कृत्रिम अंग उपकरण और सहायक उपकरण एक साथ प्राप्त हो सके यह भी एक दुर्लभ क्षण है और आज आदरणीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन का परिणाम है उत्तर प्रदेश में दिव्यांग जनों को मिलने वाली जो पेंशन थी जो मात्र 300 रुपये थी उस पेंशन की राशि को 500 रुपये करने के साथ ही प्रदेश में 10,55,500 से अधिक दिव्यांग जनों को इस पेंशन की राशि प्रदेश की ओर से सभी दिव्यांग जनों को उपलब्ध करवाने का कार्य किया जा रहा है। पिछले 5.5 वर्षों के अंदर देश के अंदर लगा कि दिव्यांग जनों के लिए भी आशीर्वाद से माननीय श्री थावरचंद गहलोत जी के नेतृत्व में जिस प्रकार से देश के अंदर हर जनपद में बड़े बड़े कैंप और शिविर आयोजित किए आज उसका परिणाम है प्रयागराज में यह कई विश्व रिकॉर्ड के साथ दिव्यांग जनों का यह अद्भुत कुंभ
हम सबको अपनी ओर आकर्षित कर रहा है और आदरणीय प्रधानमंत्री जी के प्रति आभार व्यक्त करते हुए उनका अभिनंदन भी कर रहा है। भाइयों बहनों, मोटराइज्ड ट्राइसाइकिल में यहां पर जिन दिव्यांग जनों को मोटराइज्ड ट्राइसाइकिल उपलब्ध हो रही है, मैं धन्यवाद दूंगा यहां के दोनों माननीय सांसदों को, माननीय विधायकों को, जिन्होंने अपने स्वयं की निधि से भी दिव्यांग जनों को मिलने वाली जो सब्सिडी थी उस अनुदान में अपनी निधि को भी उपयोग करते हुए आज उन्हें मोटराइज्ड ट्राइसाइकिल उपलब्ध कराने में अपना योगदान दिया है। हम सब इस विश्वास के साथ कि बिना भेदभाव के शासन की योजनाओं का लाभ समाज के प्रत्येक तबके तक पहुंचाने का जो एक संकल्प आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में केंद्र और प्रदेश सरकार की है, उसमें न जाति का, न क्षेत्र का, न भाषा का, न मत का, न मजहब का और न ही किसी प्रकार के लिंग का भेद किए बगैर किसी भी प्रकार के किसी भी भेदभाव से ऊपर उठ करके शासन की योजना समाज के प्रत्येक तबके तक और यहां तक कि दिव्यांग जनों को भी उसमें सहभागी बनाने की जो आदरणीय प्रधानमंत्री जी की शुरू से ही संकल्पना थी, उस संकल्पना का एक मूर्त रूप आज यहां पर इस दिव्यांग जनों के इस महाकुंभ के अवसर पर इस कुंभ नगरी संगम नगरी में देखने को प्राप्त हो रहा है। मैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी का एक बार फिर से उत्तर प्रदेश की धरती पर उनके मार्गदर्शन के लिए, उनके पधारने के लिए, उनके मार्गदर्शन में जो भव्य और दिव्य कुंभ हुआ है, आज उस भव्य और दिव्य कुंभ का एक नया स्वरूप दिव्यांग जनों के इस भव्य कुंभ के माध्यम से भी देखने को मिल रहा है। मैं उनका एक बार फिर से हृदय से स्वागत और अभिनंदन करते हुए वाणी को विराम देता हूं। धन्यवाद। जय हिंद।